नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। केतार से हमारे संवाददाता रविकांत वर्मा की रिपोर्ट। किसानों के बीच चना बीज का वितरण। केतार प्रखंड मुख्यालय में शुक्रवार को बीटीएम ओम प्रकाश गुप्ता के द्वारा मुकुंदपुर पंचायत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत रबी फसल के लिए चना का वितरण किया गया। शुक्रवार को मुकुंदपुर पंचायत के सैकड़ों किसानों के बीच चना का वितरण किया गया। इस मौके पर बीटीएम ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों को प्रमाणित बीज उपलब्ध कराकर उन्नत खेती कराना है, ताकि किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन कर सकें। बीटीएम ने कहा कि यह गुणवत्तापूर्ण बीज है, जिससे पैदावार में बढ़ोतरी होगी। वहीं किसानों को चना की बुआई से लेकर चना की कटाई तक कीड़े मकोड़े लगने वाले खरपतवार को बचाने के लिए रासायनिक खाद उपयोग करने के लिए विस्तृत जानकारी दी गई। इस मौके पर बीटीएम ओम प्रकाश गुप्ता, प्रखंड कृषि पदाधिकारी राजीव कुमार, किसान मित्र उत्तम कुमार चौबे, सुशील कुमार सिंह, इम्तियाज आलम सहित सैकड़ों किसान मौजूद थे। तकनीकी प्रबंधक कृषि विभाग के पदाधिकारी हुए और आज 5 तारीख दिनांक को आज केतार प्रखंड अंतर्गत चना बीज का हम लोग वितरण किए, जिसमें मुकुंदपुर पंचायत के कम से कम 100 आदमी के बीच में हम लोग ये चना बीज का वितरण किए हैं, जो कि लाइन से लोग खेती करेगा और इसमें जो कीड़ा लग गया तो उसमें किनाल फास्ट दवा है, जिसका इन लोग 2 ml मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर 2 बार स्प्रे करने के लिए सुझाव दिए हैं, जिसमें एक आपका फूल आने से पहले स्प्रे करने के लिए बोले हैं और फली आने के बाद एक बार स्प्रे कर देंगे, तो इससे किसान भाइयों को लाभ होगा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज झारखंड, सबसे पहले सबसे तेज। तो हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।